Hello students, I am Dr. Zumi Singh and today I am going to teach you a topic, micronutrient deficiencies. ये topic हमारा MHSC 111 community nutrition से लिया है. Micronutrients deficiencies. पहले हम पढ़ेंगे micronutrients क्या है, उसके क्या effects हैं, क्या functions हैं, फिर उसकी deficiency diseases हम लोग next lecture में पढ़ेंगे. तो स्टार्ट करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट से. माइक्रोन्यूट्रिएंट का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी में, हमारी डेली एक्टिविटी में, हेल्थ के लिए, हमारे डेली फंक्शंस के लिए, इम्यून फंक्शन को मेंटेन करने के लिए और ओवरऑल हेल्थ के लिए. सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे बॉडी में बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, जो कि ग्लूकोज भी है, एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं ओमेगा 3 ओमेगा 6 के फॉर्म में, फिर हमारे 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, विटामिन्स हैं, 21 मिनरल्स हैं एंड वाटर, जिसमें कि हम अगर फिर से इनको कैटेगराइज करते हैं तो हमारा आता है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, लिपिड्स को हम फैट को दूसरे फॉर्म में भी बोलते हैं, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल एंड वाटर. ये सारे ही हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए बहुत ही एसेंशियल रोल प्ले करते हैं. अगर हम जनरल फंक्शंस की बात करें तो न्यूट्रिएंट के एक 4 इम्पॉर्टेंट जनरल फंक्शंस होते हैं, जैसे कि एनर्जी फॉर एवरी सेल इन बॉडी, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना हमारी डेली एक्टिविटी के लिए, डेली वर्क के लिए. उसमें हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड शुगर. उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज़, ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए प्रोटीन का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है बॉडी में. देन फिर हमारे रेगुलेशन एंड मेटाबॉलिज्म, जिसके लिए हमारे विटामिन्स और मिनरल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और हमारे वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने के लिए हमारे कुछ अलग मिनरल्स हैं, जैसे कि पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, क्लोराइड है एक्सेट्रा. सबसे पहले हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, बिकॉज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को डिटेल में पढ़ने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि उसका क्लासिफिकेशन क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आया कहाँ से. तो न्यूट्रिएंट को जब हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में, तो पहला है हमारा मैक्रो न्यूट्रिएंट, जो हमारी बॉडी को एक लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, जो कि हम ग्राम्स में लेते हैं. मैक्रो न्यूट्रिएंट में हमारा आता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एंड फाइबर. वेयर एज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो जो हमारी बॉडी में बहुत थोड़े अमाउंट में चाहिए, लेकिन उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, वो हमारे मिलीग्राम्स में रहते हैं. माइक्रो न्यूट्रिएंट को हम फिर से 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, विटामिंस और मिनरल्स. विटामिंस भी हमारे 2 टाइप के होते हैं, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल. फैट सॉल्युबल में हमारा विटामिन ए, डी, ई और के, और वाटर सॉल्युबल में हमारे बी विटामिंस और सी विटामिंस. बी विटामिंस के भी हमारे फिर कॉम्प्लेक्सेस हैं, टोटल 12 है, 1 to 12, उनकी हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे. मिनरल्स की बात करते हैं तो मिनरल्स भी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की तरह और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की तरह मैक्रो और माइक्रो होते हैं, जो कि उनके क्वांटिटी के लेवल पे डिपेंड करता है. अगर 0.05% से ज़्यादा बॉडी में रिक्वायर्ड है तो वो हमारे मैक्रो मिनरल्स की कैटेगरी में आएंगे, और 0.05% से कम रिक्वायरमेंट है तो वो माइक्रो मिनरल्स की कैटेगरी में आएंगे. तो मैक्रो मिनरल्स के एग्जाम्पल है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड एंड फॉस्फोरस, और माइक्रो मिनरल्स में हमारे आयरन, आयोडीन, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, कोबाल्ट, क्रोमियम, सिलिकॉन, निकल, वेनेडियम, फ्लोरीन एंड सिलेनियम. अब बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस विटामिन्स के और मिनरल्स के. विटामिन्स में जैसे विटामिन ई, के, बी विटामिन्स और सी. तो विटामिन ई और के हमारे फैट सॉल्युबल हैं और बी और सी हमारे वाटर है. विटामिन ई का जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है वो एज अ एंटीऑक्सीडेंट वर्क करता है, एक प्रोटेक्टिव रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में, और ऑक्सीडेशन से डिफरेंट तरीके के जो हमारे स्ट्रेस कंडीशन है जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है सेल मेम्ब्रेन का, उनको वो प्रिवेंट करता है. सोर्सेज रहते हैं हमारे वेजिटेबल ऑयल्स, नट्स, ग्राम्स, वीट एंड जर्म ऑयल. फिर विटामिन के की बात करते हैं तो वो बेसिकली हमारा ब्लड क्लॉटिंग के लिए यूज़ होता है. ब्लड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्लॉटिंग की कंडीशन में विटामिन के की क्वांटिटी को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है. सोर्सेज है डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है उसका, और हमारे फ्रूट्स, ट्यूबर्स, सीड्स, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड अदर प्रोडक्ट्स. बी विटामिन जो कि फैट सॉल्युबल नहीं है, वाटर सॉल्युबल है, वो हमारा को एंजाइम की तरह वर्क करता है. हर एंजाइमेटिक एक्टिविटी में बी विटामिन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उस पूरे रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए
और एक फाइनल मेटाबोलाइट प्रोडक्ट्स को मेंटेन करने के लिए, और उसका एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, नर्व कंडक्शन और हमारा ग्रोथ और सेल डिवीजन के लिए भी बहुत एसेंशियल है। उसके हमारे जो इम्पोर्टेंट सोर्सेज हैं वो है होल सीरियल्स, पल्सेस, नट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड मिल्क एंड एग प्रोडक्ट्स। विटामिन सी, कोलाजन फॉर्मेशन, जैसे कि हमारी स्किन है, एक नेटवर्क के फॉर्म में कोलाजन पहले बनेगा, उसके बाद हमारा प्रोटीन डिपॉजिट होता है और फर्दर फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले जो नेटवर्क है बनना वो ज़रूरी होता है, और वो विटामिन सी के प्रेजेंस में बनता है। उसकी डेफिशिएंसी से हमारी स्किन रिलेटेड डिजीजेज होती है, और ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी वर्क करता है। इसके सोर्सेज हैं हमारे बेसिकली फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, लीव्स और सिट्रस फ्रूट्स, बेसिकली जैसे कि लाइम, आपका लेमन हो गया, सिट्रस फ्रूट्स में ऑरेंजेस हो गया, एक्सेट्रा। मिनरल्स के फंक्शन देखें तो सबसे पहले जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट मिनरल है जैसे सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड, उनका बॉडी में फंक्शन होता है वाटर मेंटेन करना, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना, जो हमारे इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है उनको मेंटेन करके प्रॉपर इक्विलिब्रियम बनाए रखना बॉडी के अंदर। उसके अगर हम सोर्सेज की बात करें तो हमारे प्रोसेस फूड्स हैं, सॉल्ट्स हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, फ्रूट जूसेस हैं, इन सब में ही सोडियम एक बहुत ही अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होता है। कैल्शियम की बात करते हैं तो हमारा बोन फॉर्मेशन, टूथ फॉर्मेशन और को फैक्टर भी यूज़ होता है अलग अलग एंजाइमेटिक रिएक्शंस में, एंजाइमेटिक फंक्शंस में। इसके सोर्सेज के लिए हमारा मिल्क है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, और एमरेंथ इसका बहुत अच्छा सोर्स है। मैग्नीशियम की बात करें तो वो हमारी एंजाइम एक्टिविटीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके सोर्सेज में हमारे बेसिक सीरियल्स हैं, नट्स हैं और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। फॉस्फोरस भी एंजाइम रेगुलेशन का, एंजाइम रिएक्शंस का वर्क करता है, साथ के साथ बोन फॉर्मेशन में भी बहुत हेल्पफुल रोल है। इसके सोर्सेज भी हमारे मीट, मिल्क प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड सीरियल प्रोडक्ट्स हैं। मैग्नीशियम, फॉस्फोरस के बाद आता है क्रोमियम। क्रोमियम हमारे इंसुलिन के एक्शन को, इंसुलिन सेंसिटिविटी को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्रोमियम की डेफिशिएंसी से हमारी इंसुलिन इनसफिशिएंट हो जाती है और डायबिटीज़ की कंडीशन आगे देखने को मिलती है। इसके सोर्सेज रहते हैं हमारे बेसिकली यीस्ट हो गए, ऑयस्टर हो गया, लिवर एंड पोटैटोस। अदर ट्रेस मिनरल्स हैं, ट्रेस मिनरल्स जो हमें बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही कम क्वांटिटी में चाहिए, लेकिन उसके हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे कि कॉपर, कोबाल्ट, निकल, फ्लोरीन, मैंगनीज एंड मोलिब्डेनम। ये भी एक एंजाइमेटिक रोल, मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट वर्क प्ले करता है, और सोर्सेज में हमारे सीरियल, होल ग्रेन्स, लेग्यूम्स, ऑर्गन मीट, सी फूड्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं। अब हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी कितना ज़्यादा एक कंसर्न प्रॉब्लम है ग्लोबली, ऑल ओवर, नेशनल लेवल पर भी। अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंट होंगे तो वो हमारा इम्यून सिस्टम वीक करेंगे, इम्यून सिस्टम वीक कर दे तो इन्फेक्शन के चांसेस, डिजीज़ होने के चांसेस नॉर्मल पर्सन से जिनका स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होगी तो प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी, पुअर ग्रोथ होगा, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ नहीं होगी, बच्चों में देखेंगे तो उनका जो थिंकिंग पावर है, कंसंट्रेशन है, वो वीक होगा, फिजिकल डेवलपमेंट वीक होगा और ओवरऑल ग्रोथ इम्पैक्ट करेगी। साथ के साथ हमारे इन्फेक्शंस के चांसेस होंगे तो सबसे पहले एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, डायरिया, ये कंडीशंस बहुत ज़्यादा देखी जाती है स्पेशली छोटे बच्चों में, और उनमें मॉर्टेलिटी के केस, इन्फेंट मॉर्टेलिटी के केस बढ़ जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अभी हम यहाँ डिस्कस करेंगे, जैसे कि आयरन है, जिंक है, आयोडीन है, विटामिन ए, डी एंड फोलिक एसिड। अगर हम ग्लोबल हंगर रिपोर्ट को देखते हैं तो ये इतने इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी डेफिशिएंसी, आयोडीन डेफिशिएंसी 25% तक है पूरे ग्लोबली। एनीमिया प्रेग्नेंट वुमेन में 54% है, एनीमिया चिल्ड्रन जो कि अंडर 5 ईयर्स एज के हैं 59% है, और विटामिन ए डेफिशिएंसी 62%। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज कॉज कैसे होते हैं? कॉजेस हमारे कुछ चार लेवल में आते हैं, जैसे कि बेसिक कॉज, अंडरलाइंग कॉज, इमीडिएट कॉज और इम्पैक्ट। तो अगर हम बात करते हैं बेसिक कॉज की, तो सोशियो कल्चरल इकोनॉमिक, जैसे कि हमारा कल्चरल प्रैक्टिस है नॉनवेज फूड नहीं खाना, या फिर हमारे कुछ एक स्टेपल फूड्स हैं हम उनको ही खा रहे हैं, चेंजेस नहीं ला रहे हैं डाइट में, और हमारा इकोनॉमिक लेवल बहुत स्ट्रांग नहीं है, हम बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, फाइनेंशियली वीक है,
या फिर हमारा फिजिकल सप्लाई नहीं है, ह्यूमन सप्लाई नहीं है जो हमको ये चीज़ें पहुंचा सके, अवेलेबिलिटी कम है। हाउस होल्ड लेवल पे भी यहाँ पे एडिक्वेट क्वांटिटी और क्वांटिटी मिल रही है तो क्वालिटी नहीं मिल रही है जिसमें हमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स बॉडी को जा सकते हैं और मिल सकते हैं। बेसिक कॉज के बाद हम अंडरलाइंग कॉज होती है, ये सारी कॉज अंडरलाइंग कॉज आती है हमारा इनसफिशेंट एक्सेस टू फूड और इनएडिक्वेट हेल्थ केयर पे। इनसफिशेंट यानी कि अगर हमें ये सारी ही चीज़ों की बेसिकली नीड नहीं पूरी हो पाएगी तो हमारा जो फूड का एक्सेस है, जो खाने का फूड हमको मिल रहा है, वो कम से कम मिलेगा, इनसफिशेंट हो जाएगा। और हमारी जो प्रॉपर हेल्थ कंडीशंस हैं अगर वो भी इनएडिक्वेट हो गई हैं तो वो दोनों रिजल्ट करेंगे इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ मिनरल और विटामिन्स में, यानी कि कम से कम जो मिनरल इनटेक मिल रहे हैं उनकी क्वालिटी वाइज बहुत कम होते जाएंगे और वो सारा रिजल्ट करेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी में। पुअर केयरिंग प्रैक्टिस, अगर हमारा प्रॉपर हेल्थ सैनिटेशन भी नहीं मेंटेन हो पा रहा है तो ये भी हमें डिजीज़ की तरफ ले जाता है। डिजीज़ में या तो रिक्वायरमेंट कुछ डिजीज़ में डिक्रीज़ हो रही है, कुछ ऐसी हैं जहाँ रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ हो रही है, और दोनों ही अगर हमारा फुलफ़िल नहीं हो पाता है तो वो माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज़ की तरफ ले जाता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है वो है आयरन। आयरन जैसा कि आप सब जानते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, स्पेशली चिल्ड्रन में, एडोलेसेंट गर्ल्स में, प्रेग्नेंट वुमेन में बहुत इम्पॉर्टेंट है। आयरन एक एसेंशियल रोल प्ले करता है हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में, जो कि हमारे ब्लड को फॉर्म करती है, मायोग्लोबिन जो हमारे मसल्स में है, और अदर एंजाइम एक्टिविटीज़ में, और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट बॉडी में आयरन के प्रेजेंस में ही होता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आयरन हमारी बॉडी में दो फॉर्म में होता है, हीम आयरन और नॉन हीम आयरन। हीम आयरन जो कि हमारा एनिमल फूड में होता है, जितने भी फूड हम लोग को एनिमल से मिलते हैं जैसे कि मिल्क, चीज़, पनीर, मीट प्रोडक्ट्स, एग, वो हीम आयरन के होते हैं। उसमें हमारा प्रोटीन के साथ आयरन ज़्यादा फॉर्म में होता है और वो आयरन हमारी बॉडी में ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है, उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू ज़्यादा होती है। वेयर इज नॉन हीम आयरन जो है वो प्लांट सोर्सेज में मिलता है, जो भी फूड हमें प्लांट से मिलते हैं उसमें उसका बॉडी में एब्जॉर्प्शन होगा, बट हीम आयरन के कंपैरिजन में लो होगा और प्रॉपर सारा अमाउंट में आयरन बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। फंक्शंस अगर हम देखते हैं आयरन के, तो वो कैरियर है ऑक्सीजन का लंग्स से टिश्यूज के लिए और हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए रेड ब्लड सेल में, ट्रांसपोर्ट करता है मीडियम एज फॉर इलेक्ट्रॉन्स के लिए, हमारा डिटॉक्सिफिकेशन लिवर के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सिग्नलिंग के लिए न्यूरोट्रांसमीटर, एक सिग्नल दूसरे सिग्नल ब्रेन के थ्रू ले जाने के लिए भी आयरन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और अदर जो कंपोनेंट है जैसे कि प्रोटीन और एंजाइम के साथ वहाँ पर भी इसका इम्पॉर्टेंट रोल है। अब क्या क्या कॉन्सिक्वेंस है, मतलब अगर हमारा आयरन बॉडी में कम होता है तो क्या दिक्कतें आ सकती हैं। सबसे पहले मेटर्नल और प्रीनेटल मोर्टेलिटी, यानी कि जो मदर्स हैं और जो बच्चे हैं उनमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। लो बर्थ वेट बच्चे होंगे या फिर मदर्स में प्रेगनेंसी से पहले या बाद में आयरन कम होता है तो उसके भी जो कॉन्सिक्वेंस है वो बहुत ही मेजर होते हैं। देखा गया है जैसे कि 2.5 मिलियन और 3.5 मिलियन डेथ वर्ल्ड वाइड मॉर्टेलिटी आ रही है इन्फेंट्स में और मेटरनल, वो आयरन की डेफिशिएंसी से आते हैं। आयरन की कमी से फिजिकल डेवलपमेंट कम हो जाता है जिससे कि ओवरऑल ग्रोथ नहीं हो पाती है, प्रॉपर जो वर्कआउट है वो डिक्रीज़ हो रहा है और वर्क करने की कैपेसिटी डिक्रीज़ हो रही है। इम्पेयर्ड सेक्शुअल एंड रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट, उससे प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा तो इररेगुलर मेंस्ट्रुएशंस की प्रॉब्लम, प्री प्रेगनेंसी में आयरन स्टोर बहुत कम होने से लो बर्थ वेट की प्रॉब्लम हो जाती है और प्री टर्म डिलीवरी की कंडीशन आ जाती है। देन डिमिनिश्ड कंसंट्रेशन बच्चों में, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं होगा, परसेप्शन, रीडिंग और लर्निंग एबिलिटी प्रॉपर नहीं है और पुअर लर्निंग एबिलिटी देखी जाती है। आयरन रिच फूड्स की हम बात करें अगर, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि स्पिनेच, फेन्यूग्रीक जो हमारी पालक है, मेथी है, सरसों का साग है, सैजन है, ड्रमस्टिक है, कॉलीफ्लावर ग्रीन है, ये सारे रिच सोर्सेज हैं। लेग्यूम्स और लेंटिल, मसूर की दाल हो गई, हमारी काली दाल हो गई, रेड दाल हो गई, और सोयाबीन और मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स, ये सारे ही रिच सोर्सेज हैं आयरन के। कुछ फूड प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो आयरन का बॉडी में एब्जॉर्प्शन एनहेंस करते हैं जैसे कि विटामिन सी रिच, क्योंकि अभी आपने पढ़ा विटामिन सी एक रिड्यूसिंग एजेंट भी है जो आयरन को फेरिक से फेरस में कन्वर्ट करता है और बॉडी में एब्जॉर्ब होने की कैपेसिटी बढ़ाता है।
तो अगर हम आयरन को विटामिन सी रिच फूड्स के साथ लेंगे, जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स में लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, आंवला, टमाटो, स्प्राउट्स, तो हमारी बॉडी में आयरन जल्दी एब्जॉर्ब होगा। और अगर हम इन फ्रूट्स के साथ लेते हैं जो आयरन का एब्जॉर्प्शन बॉडी में कम करते हैं, जैसे कि कैल्शियम हो गया, टी हो गया, कैल्शियम होता है वो आयरन को बाइंड करके उसका एब्जॉर्प्शन बॉडी में कम करता है। साथ के साथ जो हमारी चाय है उसमें टैनिन होता है, वो आयरन के साथ कंबाइन करके बॉडी में उसका एब्जॉर्प्शन कम करता है। और हाई फाइबर फूड्स और आपके कॉफ़ी भी हो गया, तो इसीलिए कहते हैं जब भी आप खाना लेते हैं तो खाने के आधे घंटे पहले और आधे घंटे या एक घंटे बाद तक चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक का सेवन ना करें, क्योंकि ये बॉडी में अगर आपने फूड कोई आयरन रिच लिया है तो उसकी एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करता है। फिर आता है एक इम्पॉर्टेंट आयोडीन। आयोडीन में हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, फीटस के ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत हेल्पफुल है। इसका मेन इम्पॉर्टेंट रोल है कॉग्निटिव फंक्शन, यानी कि ब्रेन की कैपेसिटी, एबिलिटी बच्चों की बढ़ाना, लर्निंग पावर बढ़ाना। देखा गया है कि 8 मिलियन बच्चे जो मेंटली इम्पेयर्ड होते हैं, जो मेंटली प्रॉपर नहीं वर्क कर पाते हैं, वो आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं। और 38 मिलियन जो बच्चे आयोडीन की कमी से पैदा हो रहे हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा मेंटल एबिलिटी डिक्रीज होने के चांसेस देखे गए हैं। सॉल्ट जो हमारा आयोडाइज फॉर्म में है, अगर वो हम इन आयोडीन कमी वाले बच्चों को देते हैं तो उनका आईक्यू लेवल में इम्प्रूवमेंट देखा गया है। कुछ सोर्सेज हैं जिसमें आयोडीन रिच अमाउंट में होता है, जैसे कि सी फूड सारे, मिल्क, एग, मीट, लेग्यूम्स, सीरियल्स, ब्लैक ग्राम और मस्टर्ड। नेक्स्ट आता है हमारा विटामिन ए, जो कि वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों में आई साइट के लिए, एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए। विटामिन ए का इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है हमारी हेल्दी आई साइट को बनाए रखना। हेल्दी आई साइट के साथ हमारा इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रांग करता है। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, हेल्थ आई साइट वीक होगा, तो ब्लाइंडनेस का, जो बच्चों में अंधे होने का जो चांस होता है वो कम से कम होगा, और इन्फेक्शन भी कम होंगे, मीजल्स की और डायरिया की कंडीशन भी कम होती है। एक ग्लोबली एस्टिमेट किया गया है कि 30% बच्चे जो कि 5 साल से कम हैं उनमें विटामिन ए डेफिशिएंसी काफ़ी होती है, जिसमें से 2% तक की डेथ भी हो जाती है। विटामिन ए के रिच सोर्सेज हैं हमारे लाल, नारंगी, पीले, फल और सब्जियों में विटामिन ए ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, क्योंकि इसमें कैरोटीन होता है, जैसे कि गाजर, टमाटर, आपके पम्पकिन हो गया, कद्दू, उसमें भी हमारे अच्छे अमाउंट में पाया जाता है। उसके अलावा हमारे मीट प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि आपका एग हो गया, मीट हो गया, मिल्क हो गया, चीज़ हो गया, इसमें भी विटामिन ए का अमाउंट अच्छा होता है। पपाया हो गया, मैंगो हो गया, पम्पकिन है, ये सारे ही अच्छे सोर्सेज हैं। विटामिन डी की बात करते हैं तो इसका फंक्शन है कैल्शियम का लेवल मेंटेन करने का। अगर हमारे ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा होगा तो वो उससे लेकर बोन के ऊपर एक लेयर बनाता है, बोन के ऊपर एक डिपोजिशन करता है, और अगर हमारा ब्लड में कैल्शियम कम है तो वो बोन से तोड़ के निकाल के भी उसका होम्योस्टेसिस उसका मेंटेन करता है एक प्रॉपर लेवल। विटामिन डी डेफिशिएंसी आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, स्पेसिफिकली इंडियन वुमेन में, और ओबेसिटी और डायबिटीज़ के पेशेंट में भी इसकी डेफिशिएंसी ज़्यादा से ज़्यादा मिलती है। अगर हम देखते हैं तो विटामिन डी का लेवल अगर कम हो रहा है तो उन लोगों में ओबेसिटी के, हाइपरटेंशन के, ब्लड प्रेशर बढ़ना, डायबिटीज़ होना, इसके कंडीशन फ्यूचर में ज़्यादा दिखते हैं। विटामिन डी एशियन कंट्रीज़ में कम इसलिए भी होती है क्योंकि बहुत सारे इसके रीजंस हैं। सबसे पहले विटामिन डी का हमारा एक्टिव फॉर्म जो है वो हमको नहीं मिल पाता है। एक्टिव फॉर्म यानी 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल। एक्टिव फॉर्म को बॉडी में जाके जब विटामिन एब्जॉर्ब होगा तब वहाँ पे हमारे कुछ एंजाइम हैं, कुछ हार्मोन्स हैं, वर्क करते हैं और उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। उससे पहले हमारा जो विटामिन डी है वो इनएक्टिव फॉर्म में, जैसे कि 5-डाईहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में स्किन में प्रेजेंट रहता है, जो कि अल्ट्रावायलेट रेज पड़ने से वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होके स्किन में एब्जॉर्ब होना स्टार्ट होता है। इसके भी जो रिच सोर्सेज हैं, कॉड लिवर ऑयल, आपके मरीन फिशेज हो गई, एग योग बहुत अच्छा इसका सोर्स है, बटर हो गया, चीज़, और आपके लिवर। फिर आता है हमारा जिंक। जिंक भी एक बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही क्रूशियल
माइक्रो न्यूट्रिएंट है, उसके फंक्शंस होते हैं एंजाइम प्रॉपर सिस्टम मेंटेन करना, सेल डिवीजन, इम्यूनिटी, रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन एंड रिप्रोडक्शन। डेफिशिएंसी में सबसे पहले हमारा हाइपोगुजिया, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब डेफिशिएंसी है जो जिंक से होती है। जिंक की कमी से टेस्ट कम होने लगता है, लोगों को किसी भी चीज़ का टेस्ट नहीं आता। उसके बाद क्रॉनिक हीलिंग, जब आपका कोई भी पैरों में अल्सर हो रहा है तो उसकी हीलिंग अगर आप में जिंक डेफिशिएंसी है तो वो जल्दी नहीं हो पाती है। इन्फेक्शंस के चांसेस बार बार लगे रहते हैं और न्यूरो बिहेवियरल कंडीशन, आपके मेंटल लेवल पे भी इस पर इफेक्ट दिखता है। प्रेग्नेंट वुमेन को जिंक डेफिशिएंसी है, उनमें प्रेगनेंसी के आउटकम में कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। साथ के साथ जो मॉर्टेलिटी रेट है, बच्चों में पैदा होते ही डेथ हो जाती है, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं अगर उनकी मदर की डाइट में प्रॉपर जिंक नहीं है। रिच सोर्सेज हैं ऑयस्टर, मीट, पोल्ट्री, एग और डेयरी प्रोडक्ट्स। अब आता है हमारा फोलेट, यानी कि फोलिक एसिड। फोलिक एसिड एक हमारा बी विटामिन का पार्ट है, जो कि B9 भी बोलते हैं। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है मेंटेनेंस ऑफ न्यू सेल्स, नए सेल की फॉर्मेशन, DNA फॉर्मेशन और ग्रोथ में इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। इनएडिक्वेट स्टेटस, यानी कि कम अगर हम डाइट में ले रहे हैं, प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका सेल ग्रोथ में, DNA फॉर्मेशन में और RBC की मैच्योरेशन में इफेक्ट होता है, जिससे हमारा ब्लड में लेवल भी कम होने लगता है, हीमोग्लोबिन के लेवल कम होगा और एनीमिया की कंडीशन भी फोलेट कम होने से देखने को मिलती है। इसके रिसोर्सेज हैं फ्रेश ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, लिवर एंड पल्सेस। विटामिन सी की बात करें अगर हम, तो विटामिन सी एक बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, जो हमने अभी पहले भी डिस्कस किया है। इसके फंक्शन है कोलाजन की सिंथेसिस को प्रमोट करना, सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो रही है तो उसको बचाना, जैसे कि हमारे कभी कभी कुछ ऐसी कंडीशन, स्ट्रेस कंडीशन में ऑक्सीडेशन बढ़ जाता है और कुछ ऑक्सीडेंट हैं वो सेल को डैमेज करना स्टार्ट करते हैं। विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करता है, उस ऑक्सीडेशन को रोकता है, सेल मेम्ब्रेन को टूटने से रोकता है उनके साथ कंबाइन करके। अगर RDA की बात करते हैं तो एडल्ट मैन और वुमेन का 40 होता है, प्रेगनेंट वुमेन में बढ़ जाता है, कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो 60 मिलीग्राम होगा, लैक्टेटिंग में 80 और चिल्ड्रन में, जैसे कि आपने ईयर वाइज दिया हुआ है, डिपेंड करता है 25 और 40 के बीच में। रिच सोर्सेज में आपके जितने सिट्रस फ्रूट्स हैं, जैसे कि आपका आंवला, गूसबेरी हो गया, गुआवा, आपके कुछ ग्रीन लीव्स हैं अगाती की, ड्रम स्टिक की, पार्सले की, कैप्सिकम हो गया, ग्रीन मैंगो, करंट, ब्लैक करंट हो गया और करौंदा, इनकी क्वांटिटी के साथ आप देख सकते हैं ये रिचेस्ट सोर्स हैं विटामिन सी के। इसके बाद कुछ हमारे एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट्स हैं जो बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में चाहिए बॉडी में, लेकिन उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे कि क्रोमियम। क्रोमियम इंसुलिन को रेगुलेट करना, इंसुलिन का प्रॉपर सिक्रीशन, उसकी सेंसिटिविटी को मेंटेन रखता है, और इंसुलिन के पाथवे सिग्नल प्रॉपर ना होने से, मेटाबॉलिज्म ना होने से डायबिटीज़ की कंडीशन आती है। इसलिए इंसुलिन डेफिशिएंसी हमेशा या तो इंसुलिन रेसिस्टेंस कॉज करेगी या डायबिटीज़ कॉज करेगी। फिर आता है सिलेनियम, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है, डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेस का जो रिस्क है, अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो उससे बढ़ेगा, हार्ट डिजीज़ होना, डायबिटीज़ होना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है इसका, अगर इसकी बॉडी में डेफिशिएंसी हो रही है। एंटीऑक्सीडेंट सिलेनोप्रोटीन जो है वो प्रोटेक्शन के रोल वे करता है, एंटीऑक्सीडेंट के फॉर्म में सिलेनोप्रोटीन ही इसका एक बहुत ही अच्छा सोर्स है, जो स्ट्रेस कंडीशन में जो ऑक्सीजन, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज है उसको कम करता है, उसको मेंटेन करता है, अगर हम सिलेनियम के सोर्सेज लें, सिलेनोप्रोटीन लें, तो इसके रिच सोर्सेज डाइट में इंक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हैं, इनको हमें कैसे कम करना है, ये अभी हम पढ़ेंगे, और हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम सारे अलग अलग मिनरल्स और विटामिन्स के इम्पॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज क्या क्या हैं उनको पढ़ेंगे। तो इनको कम करने के लिए जो हमारे अप्रोचेज हैं वो फूड बेस्ड भी हो सकते हैं, सप्लीमेंटल भी और पब्लिक हेल्थ मेजर्स भी। फूड बेस्ड की बात करते हैं तो सबसे पहले डाइटरी डाइवर्सिफिकेशन, जिसमें हमको स्टेपल फूड, जैसे कि मोनोटोनस डाइट मीन्स एक जैसा खाना, खाने में वैरायटी लाना है, चेंज करना है, कोशिश करना है कि हमारे जो 5 बेसिक फूड ग्रुप्स जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, हर फूड ग्रुप्स में से हम फूड चेंज कर करके लें, क्योंकि हर फूड ग्रुप में न्यूट्रिएंट का अलग अलग अमाउंट होता है।
अगर आप पल्सेस में ही, दाल में ही बात करते हैं, अगर आप एक दाल एक दिन में ले रहे हैं, दूसरी दाल दूसरे दिन ले रहे हैं, तो दोनों में आपको जो न्यूट्रिएंट है वो अलग अलग मिलेंगे, और एक ही दाल आप सारे दिन ले रहे हैं तो उसमें आपको एक ही जैसे न्यूट्रिएंट मिलेंगे। तो डाइट डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। हमें फूड ग्रुप में भी दाल है तो उसमें, सीरियल है तो उसमें चेंज कर करके, फ्रूट्स और वेजिटेबल में चेंज करके लेना है। और हमारे कुछ बनाने कुकिंग के मेथड है, जर्मिनेशन और फर्मेंटेशन, जिससे कि हमारे न्यूट्रिएंट जो बाउंड फॉर्म में होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, वो सिंपलर फॉर्म में इजीली अवेलेबल होते हैं और बॉडी में ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं। तो उन जो ये कंडीशंस हैं, जैसे कि कुकिंग मेथड्स हैं, जर्मिनेशन, फर्मेंटेशन, जर्मिनेशन, इनको हमें फॉलो करते रहना है। इन्हीं तरीकों को यूज़ करके हमें डेली अपने खाने बनाने की प्रैक्टिस में लाना है। साथ के साथ आता है दूसरा फूड बेस्ड अप्रोच, फूड फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन जो हमारे स्टेपल फूड हैं, जो हम डेली ज़्यादा अमाउंट में खाते हैं, क्योंकि वो हमारे एरिया में ज़्यादा अवेलेबल है, तो उनको किसी ना किसी न्यूट्रिएंट जो वहाँ पे कमी हो रही है उसमें, उसको फोर्टिफाई करके उसके अलग अलग प्रोडक्ट्स देना। और ये कुछ पोटेंशियल व्हीकल्स हैं जिनको हम फोर्टिफिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमारा फ्लावर, आटा हो गया, मिल्क, सॉल्ट, शुगर, हमारे मसाले हो गए, कॉन्डिमेंट्स, ब्रेड एंड बिस्किट। इनको हम अलग अलग डिफरेंट जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनसे हम इसमें फोर्टिफिकेशन करके, फोर्टिफाइड फूड सप्लाई करके उनकी जो डेफिशिएंसीज हैं उनको कम कर सकते हैं। फिर हमारे सप्लीमेंटेशन, सप्लीमेंटेशन में हम टैबलेट्स के फॉर्म में, कैप्सूल के फॉर्म में, सिरप्स और इंजेक्शंस के फॉर्म में बाहर से जो खाने के थ्रू नहीं आएंगे हम उनको सप्लाई कर सकते हैं, पर ये कंडीशन बहुत ही सीवियर डेफिशिएंसी की केस में आती है, जब डेफिशिएंसी ज़्यादा है और हमें उसको जल्दी से जल्दी रिकवर करना है। फिर हमारा पब्लिक हेल्थ मेजर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सैनिटेशन कंडीशन प्रॉपर नहीं होगी तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे, जिसमें हमारा जो न्यूट्रिएंट के लेवल रिक्वायरमेंट है वो डिक्रीज होती है, और न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी और जो उनकी रिक्वायरमेंट है बढ़ भी जाती है, और बॉडी में हमारा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। तो उस कंडीशन में हमें प्रॉपर सैनिटेशन और हाइजीन इम्प्रूव करनी है, हेल्थ एजुकेट करना है लोगों को कि आप किस तरीके से, क्या ऐसे खाने बनाने के तरीके हैं जिससे हमारा जो न्यूट्रिएंट मिल रहा है वो हमारी बॉडी में और एब्जॉर्ब हो, क्वालिटी वाइज अच्छा हो, और उनके ऐसे सोर्सेज भी हैं जो उनको नहीं पता है और उनके आसपास अवेलेबल हैं, वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करने की ज़रूरत है। साथ के साथ कम्युनिकेशन फॉर बिहेवियरल चेंजेस, कुछ ऐसे हैं सोशियो कल्चरल प्रैक्टिस है, ये नहीं खाना, ये इस टाइम नहीं खाना, ये इस दिन नहीं खाना, कुछ कम्युनिकेट करके उनके बिहेवियर में चेंजेस लाके हम उनकी माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होने से फ्यूचर में रोक सकते हैं। इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज कौन सी हैं और उनका कितना प्रेवलेंस है हम पूरा इंडिया में, क्या क्या उसके लेवल्स हैं, किस बायोमार्कर से हम उनको पता लगा सकते हैं। तब तक के लिए कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, तो प्लीज़ आप अपने कमेंट में डाल दीजिएगा। थैंक यू सो मच।